आपको मालूम है ना कि सलमान भाई हमारे रिश्तेदार भी हैं। हाँ जी बाबा। और वो बाहर से आए हुए हैं और माह रमजान भी चल रहा है। हाँ जी बाबा। क्यों ना हम उनसे जाके कुछ मदद मांग ले। मुझे नहीं लगता बाबा कि वो हमारी मदद करेंगे। तो आओ बेटा देख लेते हैं। आओ अच्छा ऊंची बात सुनो, ज़कात के सारे पैसे निकालो, ठीक है? हमने गांव के जितने भी गरीब हैं, गरीबों में तकसीम कर दी। सलमान साहब जैसे आपका धोखा। और हाँ एक बात का ख्याल रखना, मेरे किसी भी रिश्तेदार को पैसे नहीं मिलने चाहिए। सलमान साहब ठीक है। भाई कुछ आपसे बात करनी थी। पता था इनकी बारे रिश्तेदार। माशाल्लाह सलमान भाई, अल्लाह पाक ने आपको बहुत नवाजा है, पाक आपको इससे भी ज्यादा दे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह पाक ने आपको बहुत दिया। मैंने कहा था ये भिखारी है, ये तारीफें ऐसे नहीं करना, इसको कोई ना कोई मतलब होगा, देखना। सलमान भाई आपको तो पता है कि माह रमजान चल रहा है, तो घर के कुछ हालात इस किस्म के हो चुके हैं कि मजबूरन आपके पास आना पड़ा। अगर कुछ पैसे आप मुझे उधार दे दे तो। चाचा आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। क्यों मुंशी जी? सलमान भाई जी, बाबा मैंने बोला था ना ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारी कभी मदद नहीं करेगा। सलमान भाई वो कुछ बस दोबारा कोशिश करता हूँ, शायद बात बन जाए। बाबा मुझे नहीं लगता। सलमान भाई वो कुछ बस, जब आपको एक दफा कह दिया आप फिर बहस कर रहे हैं, आप जा सकते हैं। ऐसा मुखिया ऐसा करो, मस्जिद में जाओ ऐलान करवाओ, ठीक है? सरकार के पैसे आके ले। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ, फिर मैं मस्जिद में ऐलान करवाता हूँ। जल्दी जाओ, मेरे और भी बड़े काम हैं। एक जरूरी ऐलान सुनिए, सलमान पैदा नंबरदार दे रहे थे, ज़कात के पैसे तकसीम हो रहे थे। कच्ची बना की ऐलान की जा रही, मैनु लगता है कोई ज़कात के पैसे दे रहे हैं, मेरे तो ज्यादा क्यों ज़कात लगती है? चल भाई पैदा सारा ऐलान है क्यों आते पैसे ला लो। मैं बाबा ऐलान सुनने का कोई फायदा नहीं, उसने कौन सा हमें पैसे दे देने हैं। बेटा तुम फिक्र ना करो, मेरे पास इसका हल है। वो क्या बाबा? मैं इसका कुछ करता हूँ, तुम जरा घर चलो, मैं अभी आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब मैं सुना है तुम ज़कात वगैरह दे रहे हो। जी जी बिल्कुल दे रहे हैं। तो मैंने दे रहे हो, मैंने बड़ी जरूरत है। अच्छा ये ले। भला चौधरी साहब भला। राम सुनाया था ना? जी जी मैंने राम करवाया था। सलमान भाई ये मुंह क्यों छुपा रहा है? यार ये बात तो तुम्हारी सही है, पता तो करो ये है कौन। चचा जरा बात सुनो, मैं बहुत ज्यादा मजबूर था,
मेरे पास कोई और चारा नहीं था। माह रमजान का महीना है और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैंने ये इसलिए ये कदम उठाया, इसलिए कदम उठाया। चचा मुझे पता नहीं था कि आपके घर में ये हालात चल रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं बेटा नहीं। और अपने रब से भी माफी मांगता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुंशी चचा को और पैसे और घर राशन पहुंचाओ। ठीक है, मैं राशन से घर पहुंचा देता हूँ। ठीक है चचा, आप मुझे माफ कर दें। हमारी आज की इस वीडियो का मकसद था एहसास, जिसमें एहसास करना चाहिए हमें आसपास के लोगों का, और खसूस बिलखसूस जैसे आपने इस वीडियो में देखा, अपने रिश्तेदारों का जरूर ख्याल कीजिएगा।